शदीद गर्मी में बिजली का बहरान, अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। कराची, हैदराबाद, कोयटा, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 18 घंटे तक जा पहुँचा। बिजली आती नहीं, बिल होश उड़ा देते हैं, ये जुल्म बंद किया जाए, अवाम चीख उठे हैं। कुछ नहीं है, ये देखो अवाम कितना बैठे हुए, सारे इसकी वजह से बैठे हुए, घर पर नहीं जा सकता, अपने घर घर बार छोड़ के इधर बैठे हुए लेट की वजह से। क्या हुक्मरान ऐसे बैठ सकते हैं इधर आके? ये सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है। हम लोग देखो किस तरीके से बिलिंग कर रहे हैं, 35-35, 30-30 हज़ार रुपए की महीने की बिलिंग कर रहे हैं, फिर उसके बावजूद हमको सुकून नहीं है। शावर तकरीबन 12 घंटे 14 घंटे, बाज़ इलाकों में 20-20 घंटे होते। पानी भी नहीं, पानी कहाँ से आएगा, के इधर बिजली नहीं है तो बिजली पर पानी आता है। 12 घंटे लोग छिटेंगे, 12 घंटे बिजली है, 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा लोग छिटेंगे। बिजली आती नहीं, बिल मेरे कहने का मतलब इन्हें भेज देने, गरीब आदमी कितों मेरे कहने मतलब पूरा करे, अपने बच्चों का पूरा करे कि बिल भेजे। तो उस वजह से जो है वो लाइट भी नहीं आ रही और बिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। गुजारा जैसे चल रहा है पाकिस्तान में वैसे ही गुजारा कर रहे हैं, लोड शेडिंग हो रही है रात को दिन को। नवाकिली की तरफ जाएँ या कहीं भी जाए तो बिजली तकरीबन ना होने के बराबर है, और जैसी जितनी गर्मी बढ़ती जा रही है तो उतनी ही लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है। तकरीबन 10 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद भी अलावा दिगर टाइम में भी ये लोड शेडिंग ले लेते हैं। एक तो किसी चीज़ में आराम नहीं है, फिर सेकेंड ये कि लोड शेडिंग, फिर दूसरा इनका बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफे हैं, 20-20 घंटे जा रही है लाइट, कभी कभी तो 3-3 दिन लाइट नहीं होती हमारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।